गाइज, लाल सिंह चड्ढा फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर इतना बुरा हाल होगा ये कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ गाइज, अब नौबत ये है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने आमिर खान की इस मूवी से डील ही कैंसिल कर दी है। दरअसल ये मूवी पहले से ही ऑडियंस के निशाने पर थी और हर कोई इसे बॉयकॉट कर रहा था। शायद इसी मूवी की वजह से बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड भी चल रहा था। वहीं ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई है, जिसकी वजह से अब तक इसने 11 दिनों में मात्र 55 करोड़ ही कमाए हैं। बस इसीलिए वक्त की नजाकत को देखते हुए नेटफ्लिक्स ने अपने कदम वापस ले लिए हैं और 150 करोड़ की डील को कैंसिल कर दिया है। वैसे गाइज, 4 साल बाद वापसी कर रहे आमिर खान की फिल्म का ये हश्र होगा ये किसी ने सोचा नहीं होगा। गाइज, वर्ल्ड फेमस चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को हराना किसी भी खिलाड़ी के लिए नामुमकिन जैसा है, लेकिन इंडिया के महज 17 साल के आर प्रागनंदा ने उन्हें रिकॉर्ड तीसरी बार हराकर इतिहास रच दिया है। जी हाँ गाइज, प्रागनंदा ने FTX क्रिप्टो कप में अपने से लगभग दुगने उम्र वाले वर्ल्ड नंबर वन प्लेयर मैग्नस कार्लसन को एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले में हरा दिया, लेकिन बावजूद इसके वो सिर्फ 1 पॉइंट से FTX क्रिप्टो कप को जीतने से चूक गए। लेकिन इससे भी बड़ी कामयाबी उनके लिए ये है कि वो तीसरे ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने कार्लसन के खिलाफ जीत हासिल की है, क्योंकि उनसे पहले सिर्फ विश्वनाथन आनंद और पी हरि कृष्णा ही कार्लसन को हरा पाए थे। गाइज, प्रागनंदा की ये जीत हमारे लिए गर्व की बात है, तो गर्व से कहिए हम हिंदुस्तानी। सो प्राउड टू बी एन इंडियन। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।